अजय जी जी बोलिए कौन बोल रहे हो मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ संसार सिंह संसार सिंह मीडिया से कौन से मीडिया मैं एडिटर चीफ बात कर रहा हूँ आरटीआई इंडिया न्यूज का हाँ तो आपने कहा से देख मेरा झंडा कहाँ देख है? बताता हूँ थोड़ी देर में खबर चल जाएगी आपको पता चल जाएगा वहाँ पे क्या थोड़ी देर में खबर चलेगी देख लेना सर कोई कोई बात बात नहीं मुझे परवाह है आप खबर आपको परवाह नहीं है क्योंकि देश के तरंगे की जो आपने की कोई है सर। आप जो ठीक है मैंने सर मीरा साहब थाने में आपके खिलाफ आपने झंडे की डिसरिस्पेक्ट की है मतलब आप झंडे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो आप देश के तिरंगे की के तिरंगे नेशनल फ्लैग की छब्बीस जनवरी को मैंने तिरंगा चलाया था और चढ़ता रहता है पूरा साल चढ़ेगा अच्छा नहीं उसको शाम को उसके रूल क्या होते हैं झंडे को चढ़ाने को तो फौजी नहीं है अच्छा रोज रोज नीचे करेंगे आप कितनी देर सरपंच रहे हैं मैं पांच साल रहा हूँ सरपंच पांच साल में कितनी बार झंडों को देखा हर साल देखा कि नहीं देखा हर जगह यही चला हुआ जो हमारे ऑफिस में चला हुआ है में चढ़ रहता है अच्छा जी ठीक है

मतलब दस दस बीस सरपंच जो है सबने आप, ऐसा आप, किया आप, है, है। सरपंचों का नाम बताइए जरा मैं आप आप यार, क्या फोन मैं हूं संसार और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकतंत्र का पहरेदार आरटीआई इंडिया न्यूज जो खबर मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं इस खबर को आप सब जानते हैं आप सब इस खबर को रास्ते से निकलते हुए किसी चौक चौराहे से जाते हुए रोज देख रहे होंगे लेकिन मीडिया ने आंखें बंद कर रखी हैं पुलिस प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी हैं इतना बड़ा क्राइम देश में हो रहा है जम्मू कश्मीर में हो रहा है लेकिन ना तो पुलिस को दिखाई दे रहा है ना ही किसी राजनेता को दिखाई दे रहा है ना ऑपोजिशन को दिखाई दे रहा है ना रूलिंग पार्टी को दिखाई दे रहा है ऐसा क्यों आखिर मामला क्या है इतने बड़े क्राइम होने दिया गया या होने दिया जा रहा है कोई भी इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है ये एक सवाल है आप सबके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा कोई राजनीतिक पार्टी या नेता खामोश क्यों है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ भारतीय ध्वज यानी कि हमारे भारत के नेशनल फ्लैग की हमारे भारतीय ध्वज तिरंगे की जिसकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भारतीय ध्वज की रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी इज्जत नहीं करता ये भारत है इस देश के लोग इस तिरंगे के लिए मर मिटते हैं इस तिरंगे के लिए अपनी जान तक दे देते हैं बॉडरों पर हमारे देश के युवा आर्मी में भर्ती होकर के इसलिए जाते हैं कि हमारी लाश उस तिरंगे में लिपट कर के आए हम इस तिरंगे के लिए सरहद पर लड़ेंगे हम अपनी जान तक दे देंगे शहादत तक को गले लगा लेंगे लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए इन दिनों जम्मू कश्मीर में हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की नेशनल फ्लैग की किस तरीके से बेजती की गई है डिसरिस्पेक्ट की गई है कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन को दिख रहा है ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को दिख रहा है ना ही रूलिंग पार्टी को और ना ही अपोजिशन को दिख रहा है आखिर मामला क्या है क्या सब मिलकर के भारतीय ध्वज हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगा को ख़त्म करना चाहते हैं क्या उसकी इज्जत को ख़त्म करना चाहते हैं या यू कहें कि खत्म करने का प्रयास किया गया है एक बड़ा क्राइम किया गया है पहले इस खबर को देखिए कि भारतीय ध्वज की करने वाले इंसान के खिलाफ क्या चार्जेस लग सकते हैं उसे क्या सजा हो सकती है कानूनी कार्रवाई उस पर क्या हो सकती है देखिए रिटायर्ड डीआईजी अशोक अत्री क्या कहते हैं इसका उसका एक जो है फ्लैग कोड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो ये कहता है कि सनराइज से पहले फ्लैग होस्टिंग होनी चाहिए और सनसेट से पहले अनफर्निंग ऑफ फ्लैग्स प्रॉपर तरीके के साथ अब डिग्निटी एंड ऑनर वो फॉलो किया जाना चाहिए दिस इज़ वन पार्ट अब इशू ये रहा कि ये जो प्राइवेट लोग जो हम देख रहे हैं कि दुकानों के ऊपर घरों के ऊपर पीछे एक चला था घर घर तिरंगा और दुकानों पे घरों में कमर्शियल इस्टेबलिशमेंट्स के ऊपर ये फुले नेशनल फ्लैग को लोगों ने लगाया डिस्प्ले किया गया ठीक है डिस्प्ले पार्टी जो के कर सकते हैं और लेकिन उसमें ये जो हमारा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू तो द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 उसमें कुछ पनिशमेंट्स भी रखी हुई है कि उसमें क्या चीज़ आप कर सकते हो नेशनल फ्लैग हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते ये एक्ट की जो है सेक्शन टू वन ये कहती है कि सब आप नेशनल फ्लैग को जो है आप अगर वो जैसे कि हमें डिफेस्ड या डैमेज जो है वो नहीं होना चाहिए ठीक है आप लगाइए फ्लैग लगा सकते हैं और दिन को भी लगा सकते हैं रात को भी लगा सकते हैं ये प्राइवेट पर्सनस की बात कर रहे हैं तो लेकिन उसमें यह है कि एक तो वो फ्लैग जो है वो नीचे ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए या पानी में जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए और दूसरा जो है जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें जो मुझे लगता है कि वो ये है कि उसका ये इसका जो डैमेज फ्लैग हम देख रहे हैं फ्लैग बहुत बुरी कंडीशन में है वो लगाए गए छब्बीस जनवरी के ऊपर लेकिन उसके बाद जो आज की जो कंडीशन है गंदे हो गए हैं फट गए हैं वो डिफेस हो गए हैं वो जो वो जो दैट पार्ट है वो दैट इज पनिशेबल वो जो है इस एक्ट के तहत जो है वो पनिशेबल है और उसमें तीन साल की सज़ा और फाइन है या दोनों हो सकते हैं तो लेकिन देखा ये गया है कि ये सब कुछ इसकी जो इस एक्ट की वायलेशन होने के बावजूद भी जाने में इंटेंशनली और अनटेंशनली जो है इसको जो स्टेट को जो कागनीसेंस लेना चाहिए वो नहीं लिया गया है जो कि लिया जाना चाहिए नहीं पुलिस का मैं वही कह रहा हूँ कि स्टेट बिन पुलिस गवर्नमेंट मशीनरी जो भी है तो उस पर अगर फ्लैग डिफेस हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं और उसको डिस्प्ले किया जा रहा है लोगों के द्वारा तो वो वो एक जो है इस एक पनिशेबल ऑफेंस है उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है और स्टेट को गवर्नमेंट को पुलिस या जो भी एजेंसीज है हैं उनको इसका कागजी कागज इस पर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए और मुझे लगता है कि लोगों को एजुकेट भी नहीं किया गया इसके बारे में कि ऐसा करना जो एक कानूनी तौर पे अपराध है ऐसा नहीं कर सकते आप तो अवेयरनेस भी करवाइए और मुझे लगता है कि इमीजिएटली जैसे जितने भी जहाँ जहाँ भी स्टेट में इस तरह की ये फ्लैग डिफेस्ड हैं उनको इमीजिएटली जो है उनको अनफर करके और बड़े प्रॉपर्टी के साथ फोर्ड करके जो हमारे एक्ट में जो प्रोविजन है उसके तहत उनका डिस्पोजल होना चाहिए मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट भारत भूषण क्या कहते हैं इनके बयान सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा क्राइम हो रहा है खुले आम जम्मू कश्मीर में यह क्राइम हुआ है भारतीय ध्वज की बेजती की गई है भारतीय ध्वज को छोटा दिखाने की कोशिश की गई है चूँकि uh, आप जानते हो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये हमारा प्राइड है हम इंडियंस का हम लोग इमोशनली इसके साथ अटैच हैं इसके साथ हमारी जो देश प्रेम की भावना है वो इसके साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे कितने सारे जो हैं नौजवान जो हैं हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी और कितने जाने आज भी हमारे जो वीर जवान हैं वो इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे रहे हैं तो इसकी इज़्ज़त करना ये हमारा एक जाती फ़र्ज़ है और इसके साथ अगर कोई इसकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्स टू नेशनल ऑनर करके एक सेक्शन है जिसमें अगर आप इसका डिसऑनर करते हैं तो उसमें आपको तीन साल तक की सजा कर प्रावधान है उसमें और साथ में फाइन भी जहाँ दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं तो ये जो बंदा झंडा फहराता है ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कि जो जो तिरंगा जिसको मैं फहरा रहा हूँ इसकी साफ सफाई सही रहे और अगर कभी वो झंडा कहीं से थोड़ा सा फट जाता है जहाँ उसको कुछ होता है तो इमीजिएटली उसको रिप्लेस किया जाए मैंने भी देखा है बहुत सारी जगहों पे आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम लोग नेशनल फेस्टिवल पे नेशनल फ्लैग तो फहरा देते हैं लेकिन चौकों में ड्रम रख के पाइप लगा के हम एक झंडा वहाँ पे चढ़ा देते हैं लेकिन वो कई दिनों तक महीनों तक वो वहीं झूलता रहता है और उसको वापस देखने कोई नहीं आता तो मैं समझता हूँ ये एक डिसऑनर है नेशनल फ्लैग का इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़े सा स्टेक जो है वो मेयर्स लेने चाहिए और लोगों में भी एक अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए अदरवाइज ये जो हमारी आन बान शान है ये धीरे धीरे मिट्टी में मिलती जा रही है और बहुत सारी जगहों में हम देख रहे हैं कि नेशनल फ्लैग जो है नालियों में झाड़ियों में गिरे पड़े मिल रहे हैं और यही वजह है कि शायद लोगों को अभी वो अवेयर नहीं जहाँ गवर्नमेंट अभी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हुई कि नेशनल फ्लैग डिसऑनर पे अभी शायद कोई इतनी एफ जो है वो नहीं लगी हैं जब लगना शुरू होंगी तो लोग अपने आप अवेयर भी हो जाएंगे देखिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है वो अपने इसमें नेशनल जो हमारा फ्लैग कोड है उसमें अमेंडमेंट्स करती रही है और चूंकि पहले जो थे नेशनल फ्लैग्स खाली हमारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी या नेशनल हमारे फेस्टिवल्स पे कुछ बी आई लोग्स जो हैं वही इसको होस्ट करते थे लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने ये परमिशन हर सिटीज़न को हर नागरिक को दे दिया है कि भाई वो कोई भी बंदा कहीं भी नेशनल झंडा जो है हमारा तिरंगा झंडा उसको लहरा सकता है लेकिन उसके साथ मैं समझता हूं कि एक अवेयरनेस की भी ज़रूरत थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट को एक कम्पेन चलानी चाहिए लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इस तरंगे की आन और शान को जिंदा रखने के लिए हम तो गिर सकते हैं लेकिन उस तिरंगे को हम नहीं गिरा सकते जो आज हर गली कूचे नाली में गिरा पड़ा मिल रहा है मुझे एक चीज़ बताइए इलाके में ये। एक तिरंगा जो है झंडा लगा हुआ है ये। ये जी ये छब्बीस जनवरी का लगा हुआ है उसके बाद उतारा नहीं किसी नहीं उतारा मैंने इसका मैंने उनको कहा भी था ठीक है जी उसके बाद कोई नहीं मानता तो हमने उस नहीं करना जो जैसा है जो करता है ठीक है जी देश का तिरंगा है स्वाभिमान है हम मैंने आपको आपने जैसे ही बात किया तो मैंने आपको क्या कहा है इसका कोई रूल होता है नियम होता है कोई इसके कोई प्रोसीजर होता है ठीक है जी जहाँ वो घर है जहाँ एक रोड है अपना देश है ठीक है जी हमको हर चीज को फॉलो करना चाहिए हमें नहीं पता तो जो हमारे और हैं छोटे हैं या बड़े हैं जैसा भी है हमें किसी की बात सुननी चाहिए हमें जिस चीज का पता नहीं है दूसरा हमको अलर्ट करता है हमें सुनना चाहिए उस चीज अच्छा, गाँव के अंदर ये ठीक है केड़े रहे इतिहास से केड़ा रूल है जरा चीज फॉलो करता जिन्हें पर जिम्मेदारी देती है उनका क्या रोल बनता रहा उनका क्या हक है उनकी क्या जिम्मेवारी है आप इस खबर को देखिए कि 26 तारीख को पूरे भारत में तिरंगा फहराया गया और पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा फहराया गया लेकिन इस 26 जनवरी पर तिरंगे की किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट हुई है भारतीय ध्वज की किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट हुई है इस कहानी को समझ लीजिए आप पहले इस तस्वीर को देखिए ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मीरा साहब के बन सुल्तान की है छब्बीस जनवरी को यहाँ का पूर्व सरपंच दयापाल यहाँ पर तिरंगा फहराता है लेकिन उसके बाद वो भूल जाता है कि उसने तिरंगा फहराया है तिरंगा फहराने के बाद किस तरीके से तिरंगे को फहराया जाता है और किस तरीके से तिरंगे को पूरे आदर और सम्मान के साथ उतारा भी जाता है सूरज डूबने से पहले लेकिन ऐसा नहीं हुआ तिरंगा वहां चढ़ा रहा और 26 जनवरी से आज तक वो तिरंगा वहीं पर है उस तिरंगे को आप देखिए पाइप टेढ़ा हो चुका है जबकि कानून क्या कहता है कि तिरंगा किस तरीके से फहराया जाता है इसमें देखिए कि यहां के पूर्व सरपंच दयापाल के साथ जब हमारी बात हुई हमने ये जानना चाहा कि आपने ये तिरंगा फहराया था 26 तारीख को लेकिन उसके बाद में बारिशें हुई आंधियाँ आई लेकिन उस तिरंगे की आ, किस तरीके से आपको रूल फॉलो करने थे जो भारतीय संविधान कहता है कि आपने फॉलो किए उसके बाद उसकी भाषा सुनिए किस तरीके से वो बदतमीज़ी पे आ जाते हैं वो कहते हैं कि जो करना है कर लीजिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्यों भारतीय ध्वज की इस छब्बीस जनवरी पर अहमियत को घटाया गया क्या ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी क्या पुलिस की गाड़ियां वहां से गश्त करती हुई नहीं निकलती हैं क्या उन्हें कभी नहीं दिखा कि रिंग रोड से जाते हुए मीरा साहब रिंग रोड से जाते हुए बन सुल्तान जब वो पहुंचते हैं उन्हें ये तिरंगा कभी नहीं दिखाई दिया जिस तरीके से तिरंगे की डिसरिस्पेक्ट हुई है बेजती की गई है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तिरंगा को भारतीय ध्वज को छोटा दिखाने की उसको पूरी कानून के तहत इज्जत ना इज्जत ना देने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आप लोग बताइए आप देखिए ये पूरी खबर कि रिटायर्ड डी क्या कहते हैं सीनियर जर्नलिस्ट भारत भूषण क्या कहते हैं और ये सुन लीजिए कि पूर्व सरपंच दयापाल क्या कहते हैं उनके भाषा को देखिए भाजपा के साथ हाथ मिला लिया भाजपा के साथ नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लिए भाजपा पार्टी के साथ जुड़ गए तो क्या भारतीय ध्वज की धज्जियां उड़ाएंगे क्या भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे आप